सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, अज जो अपना टॉपिक आ अज आप कुछ टर्म्स थ्रू गो थ्रू होवे। सब तो पहला आती आ थर्मल एफिशिएंसी, हीट पंप, हीट सिंक, थ्रोटलिंग प्रोसैस एंड फ्री एक्सपेंशन प्रोसैस। सब तो पहला आप गल करांगे थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज अ मेजर्ड बाय अ रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय इट टू द हीट सप्लाई टू इट। ये आप जो आप मैं थोड़ा पंजाबी गल करा, थर्मल एफिशिएंसी किसी हीट इंजन की एक परसेंटेज होंगी है हीट एनर्जी जिड़ी कि ट्रांसफॉर्म्ड होंगी इनटू वर्क। थर्मल एफिशिएंसी इज़ अ डिमेंशन लैस यूनिट। सब तो पहला जो गल करिए एफिशिएंसी का जो साइन होंगे वह होंगे इज इक्वल टू 1 - T cold / T hot इनटू टी कोल्ड। थर्मल एफिशिएंसी that is converted to work, it is a dimensionless performance measure of heat engine that uses thermal energy such as steam turbine and internal combustion engine or refrigerator. hun apa gal karange heat pump di. heat pump ki hai, ek device aa jehda ke transfer heat karda from colder area to hotter area by using mechanical energy jehde ke refrigerator de vich varti jandi aa। हीट पंप को ये भी आप कह सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ हीट टू व्हाट इज कॉल्ड अ थर्मल रिजर्वायर। हीट पंप मूव थर्मल एनर्जी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफर बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम अ कोल्डर स्पेस एंड रिलीजिंग टू इट टू द वार्मर वन। नैक्सट आप गल करांगे हीट सिंक की। हीट सिंक की है एक डिवाइस है जिहड़ा कि अबजॉर्बिंग अनवॉन्टेड या एक्सैसिव हीट है जिहड़ा ये अबजॉर्ब करता। ये मेड अप ऑफ अलमीनियम अलॉय, ठीक है, ये फिन्स होंदियां ने कॉपर दियां, ठीक है। हीट सिंक इज़ अ पैसिव हीट एक्सचेंजर दैट ट्रांसफॉर्म द हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक और मकैनिकल डिवाइस टू द फ्लूइड मीडियम ऑफ्टन एयर और आप कह सकते हैं लिक्विड कूलेंट where it is dissipated away from a device by allowing refrigeration, ठीक है, or regulation of a device temperature, ठीक है। heat sink is a thermal conductive metal device designed to absorb and disappear heat away from the higher temperature object such as a computer processor, ठीक है। ये तो गल होगी अपनी heat efficiency, heat pump ते heat sink की। हुण आपां गल करांगे थ्रॉटलिंग प्रोसैस की, ठीक है जी। जे तुसी ध्यान ना देख सको थ्रॉटलिंग प्रोसैस की है। थ्रॉटलिंग प्रोसैस इट इज़ अ वैन अ गैस और अ वेपर एक्सपेंडड थ्रू अ पार्चर ऑफ अ मिनट नैरो डिमेंशन लाइक अ वैल्यू विच इज़ वेरी स्लाइटली ओपनड। द प्रोसैस इज नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसैस। द फ्लूड इज फोर्स्ड थ्रू अ नैरो अपर्चर अंडर प्रेशर। मैं एक तो एग्जाम्पल दूंगा, एक फ्लूड आ उन्हों फोर्स किया जा रहा कोई भी नैरो राह तो अंडर प्रेशर, बट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूड फ्लोइंग थ्रू इट इज रिड्यूस्ड अप टू अ नेगलिजिबल अमाउंट बाय हायर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूड्स एंड द बॉल। हेंस द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूड इज वेरी स्मॉल। वर्क डन किया W = 0, Q = 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिहड़ा अपना डेल्टा U = 0। हुण आपां गल करांगे फ्री एक्सपेंशन प्रोसैस की। इन दिस प्रोसैस द फ्लूड एक्सपेंड सडनली इन टू अ वैक्यूम चैम्बर थ्रू अ ऑरिफाइस ऑफ लार्ज डिमेंशन। ये प्रोसैस के विच की हुंदा फ्लूड आ उह एक्सपेंड सडनली हो जाता इन टू अ वैक्यूम चैम्बर थ्रू अ ऑरिफाइस ऑफ लार्ज डिमेंशन। कोई भी हीट सप्लाइड और रिजेक्टड इस केस के विच नहीं होंदी। देयर इज़ अ नो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसैस। द टैंपरेचर रिमेन्स कॉन्सटेंट W is equal to 0, Q is equal to 0 and change जिहड़ा डेल्टा U is equal to 0। मैनूं आस है कि ये छोटी छोटी टर्म्स ने जिहड़ियां थर्मल एफिशिएंसी हो गया, हीट पंप हो गया, हीट सिंक हो गया, थ्रॉटलिंग प्रोसैस हो गया, इन्हां तों तुसीं चंगी तरह वाकफ होवोगे। मेरा इस लैक्चर सुनने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।